एचआईवी और एड्स क्या है? क्या आपने कभी अपना एचआईवी और एड्स का टेस्ट कराया? इस मामले में अवामी रद्द अमल क्या है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एचआईवी एड्स जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका अभी तक कोई इलाज जो है दरियाफ्त नहीं हुआ। ये एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचना चाहिए। एचआईवी एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मतलब सेक्सुअली मतलब लोगों में फैलती है। एड्स इज ए इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट्स अ डिजीज। एड्स एक खतरनाक बीमारी है जी, तो इससे बचना चाहिए और इसका अगर आपको बर वक्त पता चले तो इलाज करवाना चाहिए। एड्स जो है वो तो लाइलाज समझी जा रही है और है भी तकरीबन, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मतलब इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। मैंने ब्लड अपना टेस्ट करवाया है और उसमें कोशिश मेरी यही रही है कि नए सरिंज का इस्तेमाल किया जाए। ये एक वायरस है जो जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। ऐसी बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे बंदे को साथ बैठने से साथ खाने से कुछ इस तरह हो। एचआईवी एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसका पाकिस्तान में भी कोई इलाज मुमकिन नहीं है। एचआईवी एड्स एक लाइलाज बीमारी और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी है एचआईवी एड्स, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को आगाही देनी चाहिए, खसूस बिलखसूस गाँव में। ये नाक से मुँह से ब्लड निकलता है, थोड़ी बहुत खांसी रहती है, मतलब आपके जिस्म के ऊपर ये जिस तरह बाल वगैरह है ना, ये आपके बाजू के ऊपर हो गए, तो ये जब मतलब बाज़ इसको आप खींचते हैं तो हमें देखें कुछ नहीं होता। जो एड्स में या एचआईवी में मुबतला है ना मरीज़, उनके साथ जब वो अपना कोई भी बाल उतारे ना तो नीचे से ब्लड निकलता है। ये जवाब है ऐसे मुल्क के बासियों के जहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एचआईवी और एड्स का मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एड्स का मर्ज फैलता ही जा रहा है। लाड़काना में एचआईवी के मजीद 57 केसेस सामने आ गए। रत्तो डेरों में एचआईवी के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। महकमा सेहत सिंध ने एचआईवी के फैलाव के हवाले से रिपोर्ट मुरतब कर ली है। ये जानलेवा बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में हमला आवर होकर इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। बरवक्त तशखीस ना होने की वजह से मर्ज का पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। एक से दो, दो से चार और फिर बेशुमार कम इल्मी और लापरवाही के नाम से मशहूर ये नागिन पूरे गांव को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूकती। अदाई ने पूरे गांव में फैलाया था एचआईवी का वायरस यानी एड्स। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस मर्ज की तशखीस इब्तदाई मरहले में नहीं हो पाती, जिसकी वजह सेहत के मराकज में एचआईवी टेस्ट की सहूलियात की अदम दस्तयाबी और प्राइवेट लेबोरेटरीज के महंगे दाम है। इस मसले को हल कराने का बीड़ा उठाया है लम्स यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉक्टर नोमान जफर और उनकी टीम ने, जो एक कम कीमत पोर्टेबल चिप बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिससे इस खतरनाक मर्ज की सस्ती और फौरी तशखीस हो सकेगी। इस डिवाइस के अंदर हम अभी जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो एचआईवी या एड्स की बीमारी है, और ये डिवाइस जो है ये एक बहुत मामूली सा आपके जिस्म से ब्लड का ड्रॉप लेके और कुछ मिनट्स में आपको ये बता सकती है कि पेशेंट के अंदर एचआईवी के जरासीम मौजूद हैं या नहीं, या अगर कोई पेशेंट पहले से जिसको पता है कि इस बीमारी का, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसको जो वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है उनकी जो अफादियत है इस डिवाइस से टेस्ट करके पता चलाई जा सकती है। एचआईवी और एड्स की तशखीस करने वाली इस चिप का प्रोटोटाइप तैयार है जिसका साइज एक एटीएम कार्ड के बराबर है। अभी जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है वो कुछ इस साइज का है। इस साइज का आमतौर पर आपका एक एटीएम कार्ड होता है, या इससे मज़ीद छोटा भी किया जा सकता है क्योंकि अभी ये पहला प्रोटोटाइप है। इसको हम बिल्कुल छोटी आपकी जो सेलफोन में चिप डलती है उस साइज़ का भी बना सकते हैं, और हमारा फाइनल गोल यही है कि इसको उसी साइज़ पे लेके जाएं जिस साइज़ की आपकी एक मोबाइल फ़ोन की सिम होती है। डॉक्टर नोमान जफर के साथ उनकी शागिर्द इस प्रोजेक्ट की हेड पीएचडी स्कॉलर आमना है, जो बड़े जज्बे के साथ इस अजीम मकसद को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। सबसे पहले हम किसी भी डिवाइस का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं, वो डिज़ाइन इस क्रोम मास में बनके
इस शेप में आता है, ये देखिए बिल्कुल क्रोम मास्क है और इस पर बिल्कुल माइक्रोन लेवल के हम फीचर्स बनाते हैं। अब ये डिज़ाइन बन गया, इस डिज़ाइन के बाद हमें इसको अपनी डिवाइस पे ट्रांसफ़र करना होता है। सबसे पहले मास्क अलाइनर से वो ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से डिवाइस लेके ये फ्यूम हुड है, क्योंकि हमारे बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो सेहत के लिए मुज़र हैं, तो हमें ये फ्यूम हुड यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर सारे काम किए जाते हैं, ताकि मेरी सेहत और जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी सेहत महफूज रहे। तो ये स्पिन कोटर है, यहाँ पे हम लोग केमिकल्स डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उसमें डाल के मैं ये बिल्कुल माइक्रोन लेवल की कोटिंग की जाती है, ये स्पिन कोटर के थ्रू होती है। कोटिंग के बाद यहाँ से इस हॉटलेट को यूज़ किया जाता है ताकि वो पैटर्न उस सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र होके कुछ इस शक्ल का आ जाता है। अब ये मेरी सिलिकॉन की स्टैम्प है, ये अब एक दफ़ा मेरी स्टैम्प बन गई, इस पर मेरे ट्रांसफ़र हो गए फीचर्स। फिर इस पर मैं एक पॉलीमर डालती हूँ जो इसके ऊपर पोर करने से बिल्कुल प्लास्टिक वाला, अगर आप गौर करें तो ये प्लास्टिक है इसके ऊपर, तो ये प्लास्टिक का बिल्कुल इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर इसको मैं इन इलेक्ट्रोड्स के साथ बॉन्ड करने में, ये कुछ इस शक्ल में आएंगे, ये देखें ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बॉन्ड हो गया। और मुझे इनको चेक करने के लिए इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ताकि हम ये देख सकें कि हमने जो प्रिंट किया है वो सही भी है कि नहीं, उसकी मैयमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हैं भी कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ से चेक करने के बाद हमारी डिवाइस की बॉन्डिंग हो जाती है, हम उसको उसके ऊपर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हम इसकी फिर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पे ले जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लड का एक ड्रॉप डालते हैं, जैसे एक ड्रॉप हमें चाहिए होता है। ब्लड का एक ड्रॉप डालने से ये जब उसमें फ़्लो करता है तो आउटपुट पे आपको एक सिग्नल मिल जाता है जो आपको ये बताता है कि आपके अंदर कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो भी आप चाहते हैं फाइंड आउट करना। हम तीन मेटल इलेक्ट्रोड्स डिवेलप करते हैं अपने माइक्रोफ्लूइड डिवाइस के लिए, तो वो जो मेटल इलेक्ट्रोड जो हम बनाते हैं उसके लिए हम ये इस मशीन मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये भी HEC के TDF प्रोजेक्ट के थ्रू ही हमने लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की मदद से HIV और एड्स की तशखीस के लिए एक ATM कार्ड के बराबर चिप तैयार कर ली गई है। लम्स यूनिवर्सिटी में तैयार होने वाली ये चिप बहुत जल्द मार्केट में दस्तयाब होगी, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब लोगों को ट्राई करना चाहिए और इसको लॉन्च कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी हो वो अगर हमें इनिशियल स्टेजेस पे पता चलता है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है जी, हर आदमी को फ़ायदा है, वो अपने चिप लगा के देख सकता है अगर मुझे बीमारी है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। एड्स इज़ अ काइंड ऑफ बर्निंग इशू, तो अगर इस तरह का कोई हो तो कंट्रोल किया जा सकते हैं मेरे ख्याल से, तो इट्स ए बेस्ट वन। बहुत अच्छी चीज़ है, इसी तरह से जैसे हम घर में ब्लड प्रेशर अपना चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, अगर इसकी भी घर बैठे तशखीस हो जाए तो हमें फौरी तौर पे इसके लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि घर बैठे बिठाई और महंगा बहुत है ये, हॉस्पिटल जाओगे, पर जब मैंने कराया था कोई 10-15 साल पहले तो 800 रुपये लगे थे, अब शायद 8,000 का हो ना हो मेरा ख्याल है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, अल्लाह उनको इसके अंदर ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई। और ये तो बहुत है कि घर बैठे ही बंदे को पता चल जाता है कि मुझे HIV है, तो वो बंदा उसका टेस्ट कर लेता। अगर घर बैठे ही हमें इस बीमारी का पता लग जाए तो आई थिंक ये मच बेटर है। इस बीमारी का पहले से इलाज शुरू कर देंगे ताकि एक ख़तरनाक हद तक हम लोग ना जा सकें और इस बीमारी से पहले ही बच सकें। आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो लेबॉरेटरी में जाएं, लाइन लगे, टोकन फना फना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो घर बैठे आसान से कर उसका टाइम बच जाता है, क्योंकि आज के दौर में टाइम बहुत कीमती है। HIV और एड्स जैसे मौलिक मर्ज की तशखीस के लिए सस्ती, मयारी और पोर्टेबल चिप डॉक्टर नोमान जफर और उनकी टीम की अनथक मेहनत का समर है। हायर एजुकेशन कमीशन वतन अजीज के साइंसदानों की मेहनत पर यकीन की मोहर सब्त करता है। देखना।